बालाघाट के वन विभाग में 25-25 लाख रुपए देकर पदस्थ हुए चार्ज सीटेड IFS अधिकारी। पूर्व विधायक समृति ने वन मंत्री विजय साहा से मांगा इस्तीफा। वन विभाग में होगी जांच तो करोड़ों का होगा घोटाला उजागर। बालाघाट के वन विभाग में पदस्थ चार्ज सीटेड IFS अधिकारियों को 25-25 लाख रुपए लेकर बालाघाट में पदस्थापना किए जाने का आरोप पूर्व विधायक किशोर समृति ने लगाया है तथा इस मामले में वन मंत्री विजय साहा से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस से करवा कर जांच के पूर्व लोकायुक्त को भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के धारा 17A में तत्काल अनुमति प्रदान करने की मांग की है। दरअसल बालाघाट में पदस्थ चार्ज सीटेड IFS अधिकारी अपने अधीन रेंजर और SDO से तकनीकी स्वीकृति जारी कराकर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कूप प्रभारी व बीट प्रभारियों के मूल्यांकन पुस्तिका में मूल्यांकन दर्ज करवा रहे हैं। इधर वन विभाग में यदि जांच सही तरीके से हो जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर होगा। हालांकि वन अधिनियम में इसका प्रावधान है जो नियम विरुद्ध है। प्रमाण के तौर पर विगत 2 वर्षों में उत्तर वन मंडल और दक्षिण वन मंडल उत्पादन में ड्रेगिंग के कार्य के नाम पर लगभग 4 करोड़ की राशि का बोगस आहरण किया गया, जिसके बनाए गए बाउचर और मजदूरों के नाम सभी फर्जी है। इसी तरह वन मार्गों के निर्माण, निकासी मार्गों के निर्माण और मरम्मत के नाम पर उत्तर वन मंडल उत्पादन और दक्षिण वन मंडल उत्पादन में लगभग 10 करोड़ की राशि विगत 2 वर्षों से आहरण की गई, जिसमें मजदूरों के नाम और उनके नाम पर बाउचर सभी बोगस हैं। इन बाउचरों के उपवनमंडल अधिकारी ने बिना निरीक्षण के ही अपनी निरीक्षण टीम बांसागार और कास्टगार में, यही हाल जिले में जो 15-20 बांसागार है और कास्टगार है, उनकी फेसिंग डिपो के अंदर मार्गों की मरम्मत और घास कटाई के कम से कम 3 करोड़ के बाउचर बनाए गए और राशि का आहरण किया गया, जो कि जांच का विषय है। इसी तरह केम्पा मद से उत्तर वन मंडल उत्पादन और दक्षिण वन मंडल उत्पादन में बांस डिपो और लकड़ी डिपो में लगभग 50 करोड़ की सीमेंट सड़कें बनाई गई, जिसमें केम्पा मद में जो गाइडलाइन तय की गई है उसमें CC रोड बनाने का नहीं कहीं भी प्रावधान नहीं है, जिसके तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने वाले वन अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए, लेकिन इस मामले में अपराध दर्ज नहीं किया गया। MBC24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, आपने जो वन अधिकारियों पे भ्रष्टाचार का जो मामला उजागर किया है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में जो IFS अधिकारी हैं, उसमें सर्वाधिक 4 सीटें अधिकारी जिनकी मैदानी अमले में पदस्थापना नहीं हुई। सरकार का रूल्स है, मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति में जो भी अधिकारी जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है उसको पदस्थापना नहीं की जा सकती। यहाँ पे जो चार IFS अधिकारी हैं जी, उन सबके खिलाफ 4 सीटें हैं। तो मेरा कहना है कि ये अधिकारी यहाँ पे आके लगातार फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सरकारी राशि का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं जी। इन सबको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि क्या कोई 25 लाख लेके आया, कोई 15 लाख लेके आया, कोई 20 लाख रुपये लेके आया, तो 20 लाख तुम्हारा वेतन कितना है? तुम पैसा इस तरह का अगर खर्च कर रहे हो तो क्या करोगे तुम यहाँ पे? तो लूट खसोट होगी जी। सर, उत्पादन में मैं आपको प्रमाण छोटा सा बता रहा हूँ कि ड्रेगिंग का जो मैटर है, ड्रेगिंग क्या है कि ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उन्होंने उसको लाना होता है। तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र वहाँ तो लीगल है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी लोग ड्रेगिंग करा रहे हैं। तो 2-2 करोड़ के बाउचर पिछले साल भी 2 करोड़ के बाउचर बने एक एक DI वन मंडल में जी। उत्तर वन मंडल उत्पादन, दक्षिण वन मंडल उत्पादन पिछले साल 2 करोड़, इस साल 2 करोड़, तो 4 करोड़ के तो एक वन मंडल में जी, मतलब 8 करोड़ रुपये का सीधा सीधा फायर लाइन कटाई में फरवरी में फायर लाइन कट जाना चाहिए जी। अब तक आप देखा पूरा बालाघाट जिले का जंगल जल रहे हैं, कोई फायर लाइन कहीं कटी नहीं जी, पूरा जबरदस्ती के नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये स्थिति दक्षिण वन मंडल सामान्य, उत्तर वन मंडल सामान्य, यहाँ पे निकासी मार्गों का, फायर लाइन का, वन समितियों के साथ में होने वाले कामों का, वाइल्ड लाइफ संरक्षण के नाम पे होने वाले कामों का और वृक्षारोपण के नाम पे जो सप्लाई हो रही है, जो काम हो रहा है वो तो भयंकर ही है। एक भी बीट इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी DFO जंगल में जाता नहीं, SDO जंगल में जाता नहीं, CCF जंगल में जाता नहीं, और ऑफिस में बैठे बैठे करोड़ों रुपये निकाल जा रहा है, धंधा बना हुआ है जी। इन सब के खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए। और जितने भी बाउचर बने, 50-50 हज़ार एक एक वन मंडल में मजदूरों की फर्जी हाजिरी है जी, 4 वन मंडल में 2 करोड़ मजदूरों की, मतलब ये समझ लो कि अगर इतने मजदूर यहाँ काम करते तो ये मजदूर हैदराबाद और जो नासिक कमाने जा रहे हैं वो तो कम से कम यहाँ रुक जाते जी। सर, तो एक तो ये कागजों में जो पैसा ड्रा कर रहे हैं उससे बड़ा ये अधिकारी यहाँ पे आके लगातार फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सरकारी राशि का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं जी। इन सबको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि क्या कोई 25 लाख लेके आया, कोई 15 लाख लेके आया, कोई 20 लाख रुपये लेके
20 लाख तुम्हारा वेतन कितना है और तुम पैसा इस तरह का अगर खर्च कर रहे हो तो क्या करोगे तुम यहाँ पे? यहाँ पे तो लूट का शौक हो जी सर। उत्पादन में मैं आपको प्रमाण छोटा सा बता रहा हूँ कि ड्रेगिंग का जो मैटर है, ड्रेगिंग ड्रेगिंग क्या है कि ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उन्होंने पशु लाना होता है, तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र वहाँ तो लीगल है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी लोग ड्रेगिंग करा रहे हैं। तो 2-2 करोड़ के वाउचर पिछले साल भी 2 करोड़ के वाउचर बने एक एक वन मंडल में जी। उत्तर वन मंडल उत्पादन, दक्षिण वन मंडल उत्पादन पिछले साल 2 करोड़, इस साल 2 करोड़, तो 4 करोड़ के तो एक वन मंडल में जी, मतलब 8 करोड़ रुपये का सीधा सीधा फायर लाइन कटाई में फरवरी में फायर लाइन कट जाना चाहिए जी। अब तक आप देखा पूरा बालाघाट जिले का जंगल जल रहे हैं, कोई फायर लाइन कहीं कटी नहीं जी, पूरा जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। दूसरा ये स्थिति दक्षिण वन मंडल सामान्य, उत्तर वन मंडल सामान्य में, यहाँ पे निकासी मार्गों का, फायर लाइन का, वन समितियों के साथ में होने वाले कामों का, वाइल्ड लाइफ संरक्षण के नाम पे होने वाले कामों का और वृक्षारोपण के नाम पे जो सप्लाई हो रही है, जो काम हो रहा है वो तो भयंकर ही है जी। और आप बताओ 250 रुपये में कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये वन कंस्ट्रक्शन 250 रुपये पर बेग के हिसाब से सीमेंट सप्लाई करी, मतलब सप्लाई क्या होगी? और बारवेट वायर जहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर कूपों के लिए, पहले तो जंगल के भीतर लगना नहीं चाहिए, रोडों किनारे तो समझ में आता है कि जंगल के जो प्राणी भाग के आते हैं तो रोडों किनारे आप लगाओ ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। 4 वन मंडल में 2 करोड़ मजदूरों की, मतलब ये समझ लो कि अगर इतने मजदूर यहाँ काम करते तो ये मजदूर हैदराबाद और जो नासिक का माने जा रहे हैं वो तो कम से कम यहाँ रुक जाते जी सर।